उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभाली है। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। इसी बीच बलिया से एक तस्वीर सामने आई जिसने योगी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी। एक बार फिर से योगी सरकार की तमाम कोशिशें सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। दरअसल बलिया में एक बुजुर्ग पति को अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल लाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। वो ठेले पर ही मरीज को लेकर 4 किलोमीटर दूर चिलकहर पीएचसी लेकर पहुंचे। पीएचसी से महिला को जिला अस्पताल बलिया रेफर कर दिया गया। इसके बाद सुकुल प्रजापति ने पैसों का इंतजाम किया और ऑटो से अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इतनी कोशिशों के बावजूद भी सुकुल प्रजापति की पत्नी की जान नहीं बची। सिस्टम देखिए कि लाश को जिला अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिला। लाचार होकर सुकुल प्रजापति ने 1100 रुपए किराया देकर निजी एम्बुलेंस से पत्नी की लाश घर लेकर आए। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की झूठी उपलब्धि के झूठे विज्ञापनों में जितना खर्च किया जाता है उसका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर सपा के समय सुधरी चिकित्सा सेवाओं पर लगातार खर्च किया जाता रहा होता तो आज भाजपा के राज में स्ट्रेचर व एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जो जान जा रही है वो बचाई जा सकती थी। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी राज में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, सरकार सिर्फ दावे करती है। सामने जो तस्वीर है उससे सच का पता चलता है कि योगी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो और वीडियो को लेकर योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों से घटना से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। बताते चले कि इससे पहले भी यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी फोटोज और वीडियोज वायरल होती रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी कई फोटोज और वीडियोज ने योगी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे। अब बलिया की घटना में योगी राज में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठ गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।